हेलो दोस्तों, मैं सोनिका और आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप इन बातों पर ध्यान दोगे तो लड़की जल्दी इंप्रेस हो जाएगी। तो आज के वीडियो से टॉपिक पे है, क्योंकि दोस्तों 40% लड़के ऐसे होते हैं ना कि जो किसी लड़की को बहुत आसानी से इंप्रेस कर लेते हैं, और कुछ लड़के ऐसे होते हैं जिनके लिए किसी लड़की से बात भी करना बहुत बड़ा काम होता है। तो ऐसे में ये वीडियो ना उन लड़कों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। इस वीडियो में आपको 4 ऐसी बातें बताने वाली हूँ जिससे आप आसानी से किसी भी लड़की को इंप्रेस कर पाओगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो बात है कि अगर आप अपने आप को सुप्रीम समझोगे तो आप आसानी से लड़कियों को इम्प्रेस कर पाओगे। क्योंकि जो लोग अपने आप को सुप्रीम समझते हैं, मतलब कि खुद को बेस्ट समझते हैं, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप में ही बढ़ता है। ठीक है, वो दूसरों से बात करते समय कभी भी नर्वस नहीं होते हैं, चाहे वो अनजान लड़की हो या फिर कोई भी अनजान इंसान हो। ठीक है, वो उन्हें प्रॉपरली अच्छे तरीके से ट्रीट कर पाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको खुद को सुप्रीम समझना है, तो इससे आप बहुत आसानी से लड़की का ध्यान अपनी तरफ खींच पाओगे। क्योंकि लड़कियां भी ऐसे लड़कों की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती हैं जो एक तरह से जिनका अलग ही एटीट्यूड होता है, अलग पर्सनैलिटी होती है, और जो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं। इसके अलावा दूसरी जो चीज़ है कि लड़की को इम्प्रेस करने के लिए आपको उनके बारे में सही नॉलेज या सही जानकारी पता होनी चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल के तौर पे उसका वो बाय नेचर कैसे है, ठीक है, कैसे लड़कों को के साथ रिलेशनशिप करना उसे अच्छा लगता है, या फिर कैसा बॉयफ्रेंड उसे चाहिए, ठीक है, रिलेशनशिप में है या नहीं। तो इस तरह की सभी बातें अगर आपको पहले से ही पता होगी तो उस टाइम पे जब आप लड़की से बात करोगे ना, तो आपको उसके बारे में जानने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। आप उन बातों के ज़रिए उसका ध्यान आसानी से अपनी तरफ खींच पाओगे। तो इसीलिए इस बात का पता होना भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके बारे में सही जानकारी आपको हासिल करनी है। इसके अलावा तीसरा काम आपको ये करना है कि आपको किसी थर्ड पर्सन या उसकी बेस्ट फ्रेंड के ज़रिए उसे जान पहचान बढ़ाने की कोशिश करनी है। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब एक बार आपकी उससे जान पहचान हो जाएगी तो आप जो है उससे बात करते समय आपको उसे इम्प्रेस करने में हेल्प मिलेगी। क्योंकि लड़की जो है ना, वो किसी भी अननोन पर्सन से, अनजान लड़के से ऐसे ही बात नहीं करती। तो इसीलिए आपकी थोड़ी बहुत जान पहचान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए आप किसी थर्ड पर्सन की हेल्प ले सकते हो या फिर कॉमन फ्रेंड की हेल्प ले सकते हो जिससे आप उससे बात कर सको। तो उस टाइम पे जब आपके एक बार जान पहचान हो जाएगी तो आप जो है उससे बात करते समय उसके बारे में भी जानोगे, अपनी अच्छी क्वालिटीज़ दिखा कर भी आप उसे इम्प्रेस कर सकते हो। इसके अलावा अगला काम आपको ये करना है कि जब आप लड़की के सामने हो तो एक्साइटमेंट में कभी भी कोई भी गलत कदम नहीं उठाना। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर कि कुछ लड़कों का मानना ये होता है कि अगर वो लड़की को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो अगर वो उनके सामने ज़्यादा शॉफ करते हैं, ठीक है, अपने आप को बहुत ज़्यादा बनावटी दिखाते हैं, बड़ी बड़ी बातें उनके सामने करते हैं, तो उन्हें लगता है कि लड़की उनसे जल्दी इम्प्रेस हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होता है। कोई भी इंसान जो है आपके झूठ को, आपके दिखावे को बहुत जल्दी पकड़ लेता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको ऐसा काम नहीं करना है, मतलब कि इम्प्रेस करने के चक्कर में ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है, शांत रहना है, ठीक है, और शांत रह के जो है लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश करनी है। इसके अलावा अगला काम आपको ये करना है कि लड़की को इम्प्रेस करने के लिए आप उसकी कुछ ऐसी क्वालिटीज़ की तारीफ़ करो जो जिनकी तारीफ़ अक्सर लड़के या लोग नहीं करते हैं। क्योंकि दोस्तों देखो, नॉर्मली फेस की, उनके लुक्स की या उनके ब्यूटी की तारीफ़ तो हर कोई देख करता है, ठीक है, जो भी उनसे मिलता होगा। लेकिन अगर आप उनकी कुछ छोटी छोटी चीज़ों की तारीफ़ करोगे, लाइक जैसे कि उनकी नेल पेंट अच्छी लग रही है, या फिर जो है उनने हेयर स्टाइल अच्छा बनाया, उनकी सोच काफ़ी अच्छी है, बाय नेचर वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो इससे ये होगा कि उसे लगेगा कि आप उसे बहुत बारीकी से नोटिस करते हो, उसे देखते हो, उस पर ध्यान देते हो, जिससे वो आपसे बहुत जल्दी इम्प्रेस होगी, ठीक है। क्योंकि आपकी तारीफ़ और लड़कों से काफ़ी ज़्यादा हटकर है, अलग है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।